गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर सेवन ऑफ योर हिस्ट्री बुक दैट इज सिविंग दीट्यू एंड एजुकेटिंग द नेशन इसमें से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है हमने पढ़ा है लास्ट लेकिन ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म ओरिएंटलिज्म भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपने देखा किस तरह से जॉन विलियम जॉन्स और उसके दो साथी इंग्लिश पर्सन थे नेथना आईल एंड कोल ब्रो किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया आ, इंडियन कल्चर को इंडियन टेक्स्ट्स को और किस तरह से उन्होंने एक सोसाइटी फाउंड की एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एक जर्नल जो उन्होंने एसेटिक एथेटिकटिक रिसर्च जिसका नाम रखा गया इस तरह से इन्होंने कहा अगर हम हिंदुस्तान का कल्चर पढ़ेंगे हिंदुस्तान की बुक्स पढ़ेंगे तो इसकी वजह से हमें बहुत कुछ हिंदुस्तान के बारे में पता चलेगा और हिंदुस्तानियों को खुद पता नहीं है कि इनका कल्चर जो था कितना इनका जो लास्ट पास्ट जो इनका था वो कितना प्रेशियस था वो कितना अच्छा था और कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको खुद अभी हिंदुस्तानियों को पता नहीं है ये इन्हें सिखाने की ज़रूरत है तो इस तरह से विलियम जॉन्स और कोल ब्रोक ने रिप्रेजेंट किए अपना एटीट्यूड टवर्ड्स इंडिया तो उन्होंने हिंदुस्तान का कल्चर पढ़ा और उसने कहा पहले हमें हिंदुस्तान का कल्चर पढ़ने की ज़रूरत है उसके बाद हम वेस्ट जो वेस्ट का कल्चर है यहाँ पे उसके बाद वो हम यहाँ पे इनको सिखाएंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन का एक अच्छा पास्ट रहा है इसकी एक ग्लोरी पास्ट ग्लोरी इंशेंट टाइम्स की जो है वो बहुत अच्छी थी तो हमें इसको समझने की जरूरत है सबसे पहले तो इन्होंने ये समझा कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट जो सेक्रेट टेक्स्ट सेक्रेट टेक्स्ट जैसे कुरान है जैसे है, इसी तरह से और जो लीगल टेक्स्ट है उनको जरूरी पढ़ना है तो उनमें से जो आइडियाज इन्होंने फाउंड किए लाज जो थे रिगार्डिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो उन चीजों को पढ़ना इन्होंने जरूरी समझा और उससे इनको एक नई स्टडी हुई इन बुक्स की और इन्होंने कहा जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे हिंदुस्तान के बारे में इनके कल्चर के बारे में इनके रिलीजन के बारे में तो हम हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है यहाँ पे हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है यहाँ पे हाँ वेस्ट जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है तो सो जॉन और कोलब्रुक जो है दे वेंट डिस्कवरिंग अबाउट द एशंट टेक्स्ट उन्होंने एनशेंट टेक्स्ट को खोजने की Like, uh, और मुहिम चलाई और दे हैव अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड उन्होंने उन टेक्स्ट को पढ़ा और उन्हें अंडरस्टैंड किया हर एक लफ्ज को फिर उन्होंने इन बुक्स को ट्रांसलेट किया हर एक लैंग्वेज में इन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जो पारसी में लिखी थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इस तरह से कहते हैं इन्हों, इन्होंने कहा एक तो बाकी लोग जो है वेस्ट के लोग जो है दे कैम्प टू नो अबाउट दीज बुक्स अबाउट द कल्चर अबाउट द रिलीजन और यहाँ के हिंदुस्तान के खुद जो लोग हैं ये भी इनको भी ये पता चलेगा तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट की तरह इसको लिया और उन्होंने कहा यह इनका मिशन है दे बिलीव नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश टू लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प द इंडियन to discover their own heritage and understand the lost glories of their past तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को सिर्फ ये टेक्स्ट हिंदुस्तान को फायदा नहीं देंगे वेस्टर्न कल्चर को फ़ायदा नहीं देंगे वेस्टर्न को बल्कि इससे हिंदुस्तानियों को फिर से रिडिसकवर होगा कि इनका पास्ट कितना अच्छा था इनका पास्ट कितना ग्लोरियस था तो इस वजह से इन्हें ये समझाने की जरूरत है इन्हें यह अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंडिया का पास्ट जो है कितना रिच और प्रॉस्पेरियस था इसकी वजह से कहा गया जो ये हाँ ब्रिटिशर्स थे खासकर जो, जो विलियम जॉन और ब्रुक और नीतनेल ये जो है इन्होंने यहाँ पे ये दे बिकेम नाउ नाव दीज ब्रिटिश ऑफिसर्स दे बिकेम द गार्डियंस ऑफ द इंडियन कल्चर ये यहाँ के गार्डियंस बने इन्होंने और मास्टर्स बने क्योंकि इन्होंने असली नज़रिया जो हमारे पास का था वो लोगों को सिखाया तो कहते हैं इनके आइडियाज जो थे इससे बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग इन्फ्लुएंस हुए असर पड़ा उन पर और इसके साथ साथ अंग्रेज जो है वो भी इस इन चीज़ों की वजह से इनकी स्टडी की वजह से इन्फ्लुएंस हुई है बहुत सारे तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है हमें सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर से पहले हमें प्रमोट करना चाहिए यहाँ पे इंडियन कल्चर हमें एक वेस्टर्न लर्निंग बाद में सिखानी चाहिए पहले हमें इंडियन का जो इनका खुद का कल्चर है वो यहां पे प्रमोट करने की जरूरत है तो इन्होंने यहाँ पे इनकोरेज की जो भी इंडियन टेक्स्ट थी पुरानी संस्कृत की पर्शियन लिटरेचर